हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसान क्लासेस। तो आज हम लोग यहाँ प्रश्न वाले 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो काफी इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन पसंद करते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है और 4 पार्ट है। दोनों क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में सॉल्व करेंगे। सर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो सबसे पहले cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 48 और 42 डिग्री सर दोनों मिलकर के दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आ रहा है। और आपको मालूम है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है उसे कहते हैं पूरक कोण। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, मतलब ये दोनों का दोनों पूरक कोण बना रहे हैं। अब पूरक कोण के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो सर करना क्या है, आप इनमें से किसी एक को पसंद कर लो, किसी दोनों में से एक को किसी दोनों में से एक को चूज कर लो, पसंद कर लो, मतलब उसको बदलना होगा। सर बदलना इस रूप में होगा, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं इसे पसंद कर लेता हूं, इसे बदलूंगा। ठीक, चलिए आ जाइए इसको सॉल्यूशन, मतलब इसको हल करते हैं। तो यहां पर सर जिसको आप पसंद किए हैं, जिसको बदले हैं, उसको लिख दीजिए कॉस। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको पसंद करा है, ध्यान इस पर खूब देना आपको। जिसको आप पसंद करते हैं उस पर आप ध्यान भी खूब देते हैं, यहाँ भी आपको खूब अच्छे से ध्यान देना है इन पे। अब करना है क्या है, अगर आप इसमें थोड़ा चेंजिंग ला सकते हैं, क्या चेंजिंग ला सकते हैं, जिसको आप पसंद करें उसमें थोड़ा सा चेंजिंग ला सकते हैं, आपके अंदर अगर कुछ अच्छा क्वालिटी, अच्छे गुण है, अच्छा चरित्र है, तो आप अच्छा चरित्र उनमें डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपने मुँह से, अपनी बातों से। चलिए आ जाइए यहाँ पे हम भी कुछ वैसे ही करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे 90 में से अगर 42 घटा दूँ सर, 90 में से 42 घटा दूँ तो क्या 48 नहीं आएगा? कोई अंतर है इसमें? इसमें तो कोई अंतर नहीं, 90 में 42 घटाऊंगा तो पक्का है सियोर कि 48 ही आएगा। बाकी जिसको पसंद नहीं किया उस पर डिट्टो, उसको डिट्टो उतार देना, उस पर ध्यान भी नहीं देना है। जिसको आपने पसंद नहीं किया है उस पर ध्यान नहीं देना है, उसको डिट्टो उतार देना वरना धमाका हो जाएगा। चलो आ जाओ सर, कॉस 90 माइनस थीटा, आप जरा देखो कॉस किस में बदल जाता है, साइन में। तो कॉस 90 माइनस इस साइन, तो यहाँ पे साइन सर, अब यहाँ पे जो होता है उसी चीज़ को लिखते हैं 42 डिग्री, और यहाँ पे साइन 42। अब देख लो ये आपका है माइनस में और ये है सर प्लस में, तो प्लस माइनस कट के क्या हो जाता है सर, आंसर लड्डू। उसी तरीके से सेकेंड पार्ट भी आपका सेम क्वेश्चन है। इस बार मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको पसंद करता हूँ, ध्यान इस पर नहीं होना चाहिए, इसको डिट्टो उतार देना है। तो इसको मैंने पसंद नहीं करा है तो इसको मैं डिट्टो उतार दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा सर हमारा कॉस 31 डिग्री। माइनस जिसको मैंने पसंद किया है उसको मैं कुछ चेंज करने का कोशिश करूँगा। भाई उसका शकल तो नहीं बदल जाएगा, उसका रंग रूप तो ऐसे ही है सर, पर इसके अंदर कुछ हम बदलाव कर सकते हैं। 90 में से सर अगर 90 में से 31 घटा देंगे सर तो हमारा 59 डिग्री आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो भाई इसको पसंद नहीं करा है, इसको डिट्टो उतार दो। तो कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक, कॉसेक में बदल जाता है, कॉसेक 90 माइनस ए कॉसेक ए, तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक ए के स्थान पे सर थीटा 31 डिग्री। अब देख लो सर ये माइनस में ये प्लस में, ये तो कट जाएगा और फाइनली आंसर हमारा यहाँ पे दोनों का दोनों जीरो आता है। दोनों एक तरह का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पसंद करते, एक नंबर में ये क्वेश्चन अधिकतर आता है, ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन में नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो, नोट कॉपी अगर साथ में तो उतार लो। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।